वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम खतौनी देखकर कैसे पता करेंगे कि हमारी जमीन कितनी है। तो टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी आप तहसील से अपनी जमीन की माप कराते हैं, अपनी जमीन की खतौनी कराते हैं, तो खतौनी में आपकी जमीन की माप वर्ग फीट, वर्ग गज या वर्ग मीटर में नहीं दे रखी होती, या बीघे में भी नहीं दे रखी होती। वहां पर आपकी जमीन की माप दे रखी होती है हेक्टेयर में। आप साइड में देख सकते हैं शो हो रहा हुआ, यहां पर आपको एक खतौनी दिखाई दे रही होगी साइड में। तो वहां पर आप खतौनी में देख रहे हैं, यहां पर जो खतौनी में जमीन की माप कितनी है, जमीन की माप है 1.8920 हेक्टेयर, सही है। तो आज के इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि इनकी जमीन कितनी है। भाई जमीन दे रखी है 1.8920 हेक्टेयर में, आपको यह पता करना है कि इनकी जमीन कितनी बीघा है। अच्छा, ये हम कहां की माप निकाल रहे हैं, खतौनी आप देख सकते हैं जनपद आगरा, ये हम माप निकाल रहे हैं आगरा जिले की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं और 75 जिलों में बीघा की माप अलग अलग होती है, ठीक। तो देखिए, ये है आगरा की खतौनी, और यहां पर जो इनकी खतौनी में इनकी जगह की माप कितनी है, इनकी जमीन की माप है 1.8920 हेक्टेयर, सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा एक हेक्टेयर जो जमीन होती है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये है हमारा यूनिट कन्वर्टर, सही है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, सही है। तो इनकी जमीन कितनी है, 1.8920 हेक्टेयर। सबसे पहले आप इस जमीन को वर्ग मीटर में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे समझते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1.8920 है ना, इसका हम गुणा करा देंगे किससे, 10,000 से, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, इसलिए मैंने 10,000 से गुणा करा दिया। तो हम पता करते हैं इनकी जमीन कितनी वर्ग मीटर है। तो देखिए, जब आप 1.8920 का गुणा कराएंगे 10,000 में, तो ये दशमलव का चिन्ह है ना, ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब इनकी जमीन हुई 18,920 वर्ग मीटर, सही। इनकी जमीन कितनी हो गई, 18,920 वर्ग मीटर, ठीक। अब हमें इस जमीन को वर्ग फिट में बदलना है, कैसे बदलेंगे उसको भी समझते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा एक मीटर में 3.28084 फीट होते हैं, सही है। इसलिए एक वर्ग मीटर में, भाई वर्ग मीटर क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर जो हमारी जमीन आई है वो वर्ग मीटर में आई है, तो हमें इसको किसमें बदलना पड़ेगा, वर्ग फीट में, सही है। तो एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फीट होगा, 3.28084 का गुणा कर देंगे उसी संख्या से, 3.28084 से, सही है। पता करते हैं यहां पर हमारे एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग फीट होते हैं, 3.28084 गुणा 3.28084, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 10.7639111 वर्ग फीट। लेकिन यहां पर हम दशमलव के बाद चार अंक ही लेंगे, तो इसका मतलब हुआ एक वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फीट होते हैं, सही है। तो अब आपको क्या करना है, इस वर्ग मीटर को 18,920 वर्ग मीटर को वर्ग फीट में चेंज करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहां पर हम पता क्या करेंगे, 18,920 का गुणा लगा देंगे किसमें, 10.7639 से गुणा कर देते हैं, पता करते हैं ये हमारी जमीन जो कि है 1.8920 हेक्टेयर कितने वर्ग फीट है। तो यहां पर हम गुणा कर देते हैं 18,920 का किससे, 10.7639 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 20 36 52
9.988 वर्ग फीट, वर्ग फीट अब वर्ग फीट में बदल चुकी है। सही है, कितना वर्ग फीट आया है? 2,03,652.988 फीट हो गया है हमारा ये जमीन, हमने वर्ग फीट में बदल दिया। अब इस जमीन को हमें बदलना है किसमें? बीघा में, उसको भी समझते हैं। तो देखिए, बीघा में बदलने से पहले हम अपनी जमीन को एक बार वर्ग गज में और बदल लेते हैं। ठीक है भाई, आप ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी जमीन कितने वर्ग गज है, तो यहां पर हम इस जमीन को वर्ग गज में भी बदल देते हैं। भाई वर्ग मीटर में बदल लिया, वर्ग फीट में बदल लिया हमने इस जमीन को, अब हम बदलते हैं वर्ग गज में, फिर हम बदलेंगे बीघा में। ठीक है, एक गज में कितने फीट होते हैं? एक गज में होते हैं हमारे 3 फीट। एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। तो एक वर्ग गज में कितने फीट होंगे? क्या करेंगे हम, 3 का गुणा 3 से करा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 9 वर्ग फीट। ठीक, एक वर्ग गज में हमारे 9 वर्ग फीट होते हैं। अब आपको इस जमीन को किसमें बदलना है? वर्ग गज में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का 2,03,652.988 वर्ग फीट है ना, इसका आप भाग लगा दीजिए किससे? 9 से। आपकी जमीन वर्ग गज में बदल जाएगी। तो यहां पर हम इस जमीन का 9 से भाग लगा देते हैं, तो पता करते हैं यहां पर कितने वर्ग गज हुई ये हमारी जमीन। तो यहां पर आ रहा है 22,628.10977 करके आ रहा है वर्ग गज। सही है, ये हो गई हमारी जमीन वर्ग गज में ही बदल गई। कितने आया है यहां पर हम लिख लेते हैं, 22,628.10। तो देखिए, दशमलव के बाद तीसरा अंक है ना, 9 है हमारा। जब दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। दशमलव के बाद तीसरा अंक 1, 2, 3, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो हमारा तीसरा अंक क्या है? 9, 5 से बड़ा है तो हम यहां पर 1 जोड़ देंगे दूसरे अंक में। ये 0 है ना, यहां पर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 1। क्या हो जाएगा? 1, 1 वर्ग गज। सही है, दशमलव के बाद हमेशा आप जब भी डिजिट निकालिए 4 अंकों तक निकालिए, सही नाप आएगी, सही नपत आएगी आपकी। सही है, अच्छा अब हम सबसे लास्ट में अपनी जमीन को बदल लेते हैं बीघा में। कैसे बदलेंगे समझते हैं उसको भी। तो देखिए, बीघा में बदलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले भाई, उत्तर प्रदेश में यह आगरा जिले की माप है और आगरा में एक बीघा में कितने वर्ग फीट होते हैं? 27,000 वर्ग फीट का होता है यहां पर एक बीघा। सही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2,03,652.988 वर्ग फीट है ना, हम क्या करेंगे इसमें भाग लगा देंगे किससे? 27,000 से। तो यहां पर ये हमारी जमीन बीघा में बदल जाएगी। भाग लगा देते हैं हम, किसमें लगाना है? 2,03,652.988 किससे? 27,000 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 7.5427, 7.5427 बीघा। ये आ गई हमारी जमीन बीघा में बदल गई है, मतलब जो हमारी जमीन है 1.8920 हेक्टेयर, ये जमीन हमारी कितनी हुई? बीघा में 7.5427। सही है, अच्छा वहीं पर अगर हम बात करें, एक हमारे मित्र हैं एमपी में रहते हैं, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर जिले में रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां बीघा की माप कितनी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहां एक बीघा बराबर होता है 12,000 वर्ग फीट। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ग्वालियर जिले में रहते हैं और आपकी खतौनी में भी जमीन की माप सेम है,
1.8920 आपकी खतौनी में भी जमीन की माप सेम है, तब आप कैसे निकालेंगे कि हमारी जमीन कितने बीघा है? यहां पर आपको वर्ग मीटर सेम आएंगे, यहां पर आपके वर्ग फीट सेम आएंगे, यहां पर आपके वर्ग गज भी सेम आएंगे, क्योंकि भारत के किसी भी कोने में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग गज सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी बीघा की तो वहां पर बीघा बदल जाएगा। वहां पर बीघा कैसे होगा? यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2,3652.98 वर्ग फीट है ना, हम क्या करेंगे यहां पर जो हम भाग लगाएंगे किससे लगाएंगे, 12,000 से, इसको बीघा में बदलने के लिए, क्योंकि ग्वालियर में एक बीघा बराबर होता है 12,000 वर्ग फीट, ठीक है। भाग लगा देते हैं यहां पर हम, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 16.971 बीघा, ठीक। मतलब जब आप आगरा में हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में, तो आपकी ये जमीन कितनी हुई, 7.5427 बीघा। अच्छा, वहीं आप मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में हैं, तो ये जमीन कितने बीघा हुई, 16.971 बीघा, सही है। क्योंकि खतौनी की माप हमेशा हेक्टेयर में ही होगी, भले ही आप भारत में किसी भी राज्य में खतौनी कराएंगे, ठीक है, अगर आप ग्वालियर में रहते हैं, अगर आप अपनी जमीन की खतौनी कराएंगे तो वहां पर भी हेक्टेयर में ही शो होगी, असम में रहते हैं वहां पर भी खतौनी हेक्टेयर में ही शो होगी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों का यहां पर क्वेश्चन होगा कि सर हमारी जमीन ये 7 बीघा है, 7.5427 बीघा, ये कितने विश्वा होगी, कितने धुर होगी, तो उसको भी हम बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे उसको भी समझते हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारा एक बीघा में 20 विश्वा होता है, या बिस्सा, या इसको विषय भी बोलते हैं बहुत से लोग, और एक बिस्वा में 20 धुर होता है। एक बीघा में 20 विश्वा होता है और एक बिस्वा में 20 धुर होता है, भले आप भारत के किसी भी राज्य में हो, ठीक है, भले आप बिहार में हैं तब भी वहां पर भी एक बीघा में 20 विषय होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में तो एक बीघा में 20 विषय ही होंगे। अच्छा, एक विश्वा में 20 धुरी होते हैं किसी भी राज्य में हो आप, ठीक है, और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हो, ठीक है, एक विश्वा में 20 धुर ही होते हैं, सही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारी जमीन ये कितनी है, 7.5427 बीघा है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बिस्सा कैसे बनाएंगे, 7 को तो हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, 7 बीघा ये तो फ्रेश आ गया हमारा, हम क्या करेंगे 0.5427 इसको बिस्सा बनाएंगे, और इसको बिस्सा बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 20 का, क्योंकि एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। अच्छा, मैंने गुणा को किया, बड़ी यूनिट को जब भी हम छोटी यूनिट में बदलते हैं तब हम गुणा करते हैं, और जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जाते हैं तब हम भाग करते हैं, ठीक है। यहां पर हम गुणा कर देते हैं 0.5427 का किससे, 20 से, तो यहां पर हमारा आ जाता है 10.854 बिस्सा या विश्वा, ठीक है, इसको विषय भी बोला जाता है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हम 10 को तो वैसे ही रहने देंगे भाई, 10 बिस्वा हमारा फ्रेश अमाउंट आ गया, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 0.854 का गुणा कर देंगे फिर से किससे, 20 से, क्योंकि एक बिस्वा में 20 धुर होता है, ठीक है, तो यहां पर हम गुणा कर देते हैं 0.854 का किससे, 20 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 17.08 धुर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, जो ये हमारी जमीन है 1.8920, ये कितने बीघा हुई, कितने बिस्वा, कितने धुर हुई, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये जमीन हुई 7 बीघा
सही है, 10 विश्वा, सही है, और 17.08 धुर। ठीक, इस तरीके से आज आपने अच्छे से समझ लिया कि हम खतौनी में जो हमें जमीन की माप दे रखी होती है उसको हम वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे, वर्ग फीट में कैसे बदलेंगे, वर्ग गज में कैसे बदलेंगे, बीघा में कैसे बदलेंगे, और बीघा के साथ साथ विश्वा और दूर में हम अपनी जमीन को कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।